हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस इंडिया आईक्यू चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अनानास टाइप आईक्यू लैंप, जो कि दिवाली में हम होम डेकोरेशन के समय यूज करते हैं। ये दिवाली में ही नहीं, शादी पार्टी या किसी भी होम डेकोरेशन के समय लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर एक होल है। इस होल्स में हमें ये हमारा चक्री फंसाना है, जैसे कि ये है, इसमें हमारा होल्डर फंसेगा इस वाले चक्री में। और एक चक्री हमारे पास ये है, जिसमें को नीचे वाले हमारे जो होल्स हैं, जो देख रहे हैं आप, वो नीचे वाले होल्स में फंसेगा। इसमें हम नीचे वाले वाले इसमें ये चक्री फंसा देंगे। तो चलिए दोस्तों, फंसाते हैं हम ये होल्डर जिसमें लगेगा वो चक्री को। हम इस तरह से इस होल्स में देख सकते हैं आप फंसा देंगे। अब हम ये नीचे वाला लगाएंगे, नीचे वाले अभी हम इस तरह से होल्स में फंसा देंगे। अब हम इसे बटन की तरह, जो हमारा बटन जिस तरह बंद करते हैं, उसे हम इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से अब बन गया ये हमारा कुछ सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, अब हम इसमें फंसाएंगे हमारे कुछ पत्ते हैं, जैसे कि एक तरह का पत्ता ये है। हम इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसको मोड़ लिया है। आपको कहाँ से मोड़ना है, इस पर आपको हल्का सा लाइनिंग दिख जाएगा, इसी लाइनिंग पर हमें इसे मोड़ना है और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो दोस्तों, अब हम इस पत्ते को सबसे ऊपर, जहाँ पर हमारा होल्डर दिख रहा है आपको, वहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाते हैं। दोस्तों, हम ये जो पत्ता है, हम इस तरह के जो सबसे ऊपर वाला होल्स हैं, हम इसमें फंसा देंगे। ये रहा जिस तरह हम फंसा रहे हैं, ये आपको ऊपर वाले होल्स में, ये रहा इस वाले होल्स में फंसाना है। इस तरह के आपको बहुत सारे होल्स दिख जाएंगे। ये रहा, हम इस तरह इसको फंसा लेंगे अगला उस नेक्स्ट वाले में। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा पहले लेयर में पत्ता लग गया, अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब दूसरे लेयर में भी हम यही वाला पत्ता लगाएंगे। ये वाले पत्ते हम लगभग तीन लेयर में लगाएंगे। तो चलिए लगाते, सॉरी दोस्तों, हम मैंने तीन लेयर बोल दिया, ये दो ही लेयर में लगेगा। तो चलिए हम दूसरे लेयर में लगाते हैं। ये देखिए, हमने ये लगा दिया कुछ, ये थोड़ा सा इसमें लगा दिया दूसरे वाले में, दूसरे लेयर में। चलिए, ये हमारा, तो ये हमारा दूसरा लेयर तैयार हो गया। देखिए, हमें इस पत्ते का दो ही लेयर लगाना था, ये देख सकते हैं आप। अब हम बाकी लेयर इस वाले पत्ते से लगाएंगे, इन सब नीचे से, इन सब जो भी होल्स दिख रहे हैं इस तरह के, इन होल में, ये हो इन जो है छिद्रों में या होल्स में। तो पहले हम इन पत्तों को सीधा कर लेंगे। पहले हम इस पत्ते को, ये जहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से मोड़ लेंगे। तो चलिए मोड़ते हैं, ये बाउंड्री लाइन आपको दिख जाएगी जहाँ से हमें मोड़ना है। तो इस तरह से हम मोड़ लेते हैं इनको, इस तरह से, इस तरह मोड़ जाएगा। इसी तरह हम सारे पत्तों को मोड़ लेंगे। मैंने इन सबको पहले से मोड़ रखा है, तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हम इस तरह से इसको उल्टा करके लगाना है। ये पोर्शन नीचे रहेगा, आप देख सकते हैं। इसको हमें इस तरह से इन होल्स में फंसा लेना है, ये देख सकते हैं आप। फिर हम इसको दूसरे वाले पीस को इस तरह उल्टा कर लेंगे और ये इसमें इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह हम नीचे से फंसाते हुए ऊपर तक आएंगे। तो इस, चलिए हम इसको फंसा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने एक पहला लेयर लगा दिया इस वाले पत्ते का, तो कुछ आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अब हम इसी पत्ते पर दूसरे लेयर में लगाएंगे, ये लेयर आपको दूसरा दिख रहा होगा। तो चलिए हम लगाते हैं, ये हमने दूसरे लेयर में लगाना चालू कर दिया है, तो इसको भी लगा देते हैं उसी तरह। दोस्तों, ये हमारा दूसरा लेयर देख सकते हैं आप, तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हम तीसरे लेयर में ये हम पत्तियाँ लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं तीसरे लेयर में भी, इसी तरह हम लगा लेंगे सारे के सारे लेयर में। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा लेयर भी कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप। और ये कुछ आपको देख सकते हैं, ये पाइनएप्पल शेप का
अनानास टाइप का दिखने लगा है। अब हम लगाएंगे हम अपने चौथे लेयर, या आप देख सकते हैं चौथा लेयर हमारा है, इसमें लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं इसमें भी उसी तरह जिस तरह हमने सब में लगाया था। तो चलिए ठीक है, लगाते हैं। आप इस तरह से एक इस तरह से लगा के आप एक इस तरह से हाथ अंदर डाल के उसको खींच सकते हैं, जिससे आसानी से आपका ये पत्ता लग जाएगा। देख सकते हैं आप, हमने इसके अंदर हाथ डाल लिया है इसके नीचे से, और यहाँ से हमने अंदर से इसको पत्ते को खींच लिया है ताकि वो आराम से लग जाए। तो इसी तरह हम लगा लेंगे पत्ते को। इस तरह लगाने में हमें कुछ आसानी पड़ेगा, जिसे हम इसको लगा के नीचे से हाथ से डाल के आपको पत्ता खींच सकते हैं, तो आराम से वो फिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों लगाते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप, ये पाइनएप्पल टाइप स्ट्रक्चर बन गया, अनानास टाइप। अब चलिए देख इसको हम जला के दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस तरह से जलता हुआ दिखाई देगा। ये एक मिनट लाइट चलेगी कुछ इस तरह से।